नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र स्वामी CLC सीकर से। आज मैं आया हूं अपने अलवर जिले के मुंडावर तहसील का एक गांव है, सुखमन हेडी पोस्ट है रसगन, और यहां से अपना एक बच्चा है गोविंद नोभरचंद जो लास्ट ईयर नीट 2023 में सेलेक्टेड था और अभी अपनी पढ़ाई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से कर रहा है। और आज मिशन उत्थान के दौरान मैं आज इनके अपने गोविंद के जो अंकल जी हैं श्रीमान फूलचंद जी, CLC लाखों दिलों पे आज कैसे राज कर रही है, एक ग्रामीण परिवेश से प्रतिभाओं को निकाल कर उनको प्रतिभाओं को निखारने का जो काम कर रही है वो CLC किस तरह से कर रही है, और ऐसे बहुत सारी हजारों प्रतिभाओं को CLC ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया है वो सब चीज़ें अपन सुनेंगे अपने सर के माध्यम से। सर नमस्कार जी, मेरा नाम फूलचंद, ग्राम सुखमनेड़ी है। जैसा कि सर ने बताया, CLC यहाँ पे जब इनिशियल स्टेज पे कुछ बच्चों को मोटिवेट करके और उनकी प्रतिभाओं को निखारा और जैसे वो सेलेक्ट हुए, तो विशेषकर मैं ग्रामीण परिवेश के बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक उनके लिए माइलस्टोन साबित हुआ। स्टार्टिंग में हमारे नंगली गांव है, यहाँ आसपास की बात करें तो इसमें हेमंत जी हैं, उनके बच्चे और उनके भाई साहब की बच्ची जो मेडिकल में सेलेक्ट हुए तो वो CLC की ही देन है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगा कि वो CLC की ही बदौलत उन्होंने एक परचम फहराया, हमारे आसपास के गांव का, अपने तहसील का नाम रोशन किया और वो बच्चे की बहुत अच्छी रैंक बनी थी। सर, एजुकेशन से जुड़ा होने के नाते मुझे एक करिकुलम की डेफिनेशन पढ़ने को मिली थी जिसमें कहा था कि करिकुलम इज़ द सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड अराउंड द एनवायरनमेंट वेयर वी आर लिविंग। मीन्स आदमी का अनुशासन का और अपनी कंटिन्यूस स्टडी का, इन सभी का एक कोरिलेशन होता है और CLC उसको बखूबी निभाती है। जैसा कि मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया, भाई साहब का बेटा भी वहाँ पे पढ़ा हुआ है, तो जो अनुशासन और जो संस्कार डालने की बात है, ये इट डजेंट मैटर कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होता है या नहीं होता है। अगर नहीं भी होता है तो उसका जो मोरल है वो इतना अप हो जाता है कि वो आगे के लिए और उसे बेहतर करने का प्रयास करता है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं तो वो सेकंड अटेम्प्ट में भी सेलेक्ट होने का उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग बन जाती है। दूसरी बात बताएं कि हमारे यहाँ पे CLC जो सीकर है उसका कन्वीनियंस बहुत अच्छा है। बहुत बच्चे कोटा जाने में हो सकता है एसएस फील करें, वहाँ बच्चों को टैकल करने में, उनसे संपर्क करने में शायद वो वहाँ तक सक्षम ना हो पाए, तो CLC हमारे इजी अप्रोच में है, सीधे व्हीकुलर कन्वेंस है। और जितने भी जो बच्चे जा रहे हैं, अब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ की CLC एक ब्रांड की तरह से काम करता है। वहाँ जाते हैं कि आप कहाँ से हो, कि सर CLC से, तो उनमें भी वी फीलिंग आती है, एक लाइक माइंडेड वो बनते हैं। और जो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्र हैं लाइक इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, उनमें भी बहुत सारी जगह है वो बच्चे हैं जो अपना एक आइडेंटिफिकेशन रिकॉग्निशन बनाए हुए हैं। तो इसके लिए आपको तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, और आगे के लिए जो आप कर रहे हैं उसमें आसपास का जो गांव में आपका जो संपर्क है उनसे, ये नहीं है कि बच्चा इंस्टीट्यूट में पढ़ा वहीं तक ही संपर्क है, आपके लाइफ टर्म जो लिंक लाइजन बनते हैं वो भी काबिले तारीफ है, और वहाँ के जो स्टाफ का जो कॉर्डियल बिहेवियर है वो, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा, अभी जैसे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में या अपने इस ग्रामीण परिवेश में जो मैंने देखा है कि मोस्टली गार्जियन की थिंकिंग बनी हुई है कि सर पहले बच्चा प्लस टू करेगा उसके बाद में उसको कोचिंग या इंस्टीट्यूट कैसे कुछ तैयारी कराएंगे। आप तो खुद एजुकेशन सेक्टर से हैं और साथ में गोविंद ने अपने वहाँ से तैयारी की है और विद ट्वेल्थ उसने अपने एक अच्छी खासी रैंक के साथ अपना सिलेक्शन GMC के अंदर निकाला है, नीट के अंदर अच्छा सिलेक्शन निकाला है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बच्चे के लिए फाउंडेशन बेस्ट है या फिर अपने को आफ्टर प्लस टू ऐसे करना चाहूंगा। जैसे कि अगर बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, मनुष्य के व्यक्तित्व में शिक्षा है वो तो संस्कारों में ढल जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है उसमें वो सारी चीजें ऑलरेडी इनकलकेट हो जाती हैं। अब शिक्षक का क्या काम होता है कि उसको निखारने का, उसको बताने का, बहुत सारी चीज़ें हैं। और वो मैं समझता हूँ कि बच्चे का जैसे ही ब्रिंग अप होता है उसका लालन पालन शुरू से करते हैं, अगर वहीं से उसको प्रॉपर डायरेक्शन दी जाए। जैसा कि एक मिट्टी वाली बात करें अपन,
जो कुंभकार होता है वो घड़े को बनाता है, वो जब पक जाता है उसके बाद में अगर आप मनचाह रूप देने चाहेंगे तो मैं समझता हूँ शायद उसको मोल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को अगर स्कूल एजुकेशन के दौरान ही उसको प्रॉपरली डील करें, उसको अच्छी शिक्षा के माध्यम से उसका जो टारगेट ओरिएंटेड करें। आज की जो बच्चों की जो ये पीढ़ी है उसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो एक कन्फ्यूज्ड मेमोरी में जी रहा है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में उसका प्रॉपर टारगेट वो नहीं है, उसने फिक्स नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और शिक्षा और उसके बच्चे की जो लगन मेहनत है, मैंने सर से एक बार और भी बात करी थी कि एक लिटरेरी टर्म्स में अगर बोले तो एक दार्शनिक हुए थोरो, उन्होंने एक ये बात कही थी कि बोथ टुगेदर मेक द म्यूजिक, आइदर मार्ट ऑल इज म्यूट, जैसे बांसुरी और हवा दोनों का संयोग होता है, हवा को जब बांसुरी में देते हैं तो उसी से सुर का निर्माण होता है जी। तो अनुशासन और बच्चे की जो डिसिप्लिन है या अपन यूं कहें गुरु और शिष्य, उन दोनों में जो ये कोऑर्डिनेशन बनेगा तभी उसका एक टारगेट अचीव होगा जी। जी सर बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।